कल प्रशासन को दोपहर बाद में सूचना मिली थी कि यहाँ पे इसमें कोई एक करीब 50 साल का आदमी है जो इसके अंदर गिर गया और जिसका इन्होंने अंधे सही आधार पर लगाए भी उसकी चप्पल और कोई तोलिया वगैरह यहाँ पे पास में पड़ा है। ये इनको सूचना मिली थी, यहाँ पे डिप्टी साहब और हमारे एसडीओ साहब तहसीलदार जी सभी यहाँ लोग आए यहाँ पे और यहाँ करके और जानकारी की। इसमें पहले जो लोकल दो आदमी थे उनकी सहायता से कुछ कोशिश की अंदर देखने की, फिर उन्होंने कैमरे वगैरह अंदर डाल करके कोशिश की कि अंदर कोई हो तो हलचल पता चल जाए। तो रात का भी उन्होंने कैमरे वगैरह अंदर डाल कर देखा लेकिन अंदर इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर सूचना मिलने पर कलेक्टर साहब ने रेस साहब जयपुर बात करके एनडीआरएफ टीम वगैरह को वहां पे सूचित किया और फिर एनडीआरएफ टीम आकर के इन्होंने भी अभी अपना जैसे आपके सामने इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा करके अंदर डाल करके देख लिया, अंदर रोड डाल करके देख लिया जैसे कि, और अभी एक रिंग भी अंदर डाली जो करीब 150 फीट अंदर रिंग जारी है, उसके बाद बिल्कुल ठोस आ गया, रोड भी नहीं जारी है और सीसीटीवी कैमरे में अंदर बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो जरूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपनी ये फसल पर रात को कीड़े वगैरह आते हैं लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। इनका ये कहना था हमारे हिसाब से ये है कि अंदर डेड बॉडी नहीं है और कुछ डॉग्स वगैरह पुलिस वाले मंगाए उसे भी कुछ जानकारी करेंगे कि वो किस साइड में क्या लोकेशन बताते हैं कैसे क्या रहता है। कोशिश कर रहे हैं देखने के कहां पे हो सकता है। और लालचंद है, लालचंद मेघवाल है, यही पास का है, पड़ोस का ही गरिंडा का ही है। उसके बारे में उसके बच्चे ने बताया कि सब सुबह वो बकरियां लेकर आए थे करीब 10-1 बजे और वापस बकरियां घर पे आ गई लेकिन वो घर पे पहुंचा नहीं, तो वो उसको ढूंढता हुआ इधर उधर आया। तो वो क्योंकि उसने खुद ने बताया कि वो थोड़ा गुटकी उटकी लिया करते हैं तो उसको संदेश हुआ कहीं भाई कहीं पी पुआ के गर्मी में कहीं बाहर कहीं पड़ गया नहीं हो, लेकिन फिर यहां से निकला तो उसको ये चप्पल और जब दिखे तो उसको ऐसा लगा कहीं इसमें नहीं गिर गया। तो इस हिसाब से इनको डाउट हो रहा है कि कहीं इसमें तो नहीं है।